हेलो फ्रेंड्स, आप सब यूपीएससी के बारे में तो जरूर जानते होंगे। अगर आपका भी ड्रीम करियर है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लाइक आईएएस आईपीएस, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको यूपीएससी से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट बातें इसमें बताऊंगी। यूपीएससी से सिर्फ आईएएस आईपीएस ही नहीं बना जाता, बल्कि यूपीएससी और भी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी का फुल फॉर्म, इसके अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट आते हैं, यूपीएससी के कार्य, इसके द्वारा कंडक्ट की जाने वाली परीक्षाएं, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है, भर्ती प्रक्रिया क्या है, जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे हम जानेंगे। ओके, तो यूपीएससी एक प्रकार की उच्च स्तर की सिलेक्शन बोर्ड है जो देश में विभिन्न प्रकार के सरकारी एग्जाम को आयोजित करता है। यूपीएससी लेवल ए और लेवल बी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक संगठन है। यूपीएससी को पहले पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद इसका नाम बदलकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग होता है। यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं बहुत सारी हैं, आईएएस आईपीएस, इन सब के अलावा ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन आईएफएससी, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ईएसई, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन एनडीएई, नवल एकेडमी एग्जामिनेशन, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिकल सर्विस एग्जामिनेशन, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एंड जियो लॉजिस्ट एग्जामिनेशन, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आईसीएसई फॉर रिक्रूटमेंट टू आईएएस आईपीएस आईआरएस, ये सारे एग्जामिनेशन यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं। अब इसमें इसके लिए हम क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। तो इसके लिए कैंडिडेट के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर में भी हैं अपने ग्रेजुएशन के, आपका रिजल्ट आने वाला है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब एज लिमिट की बात करें तो जनरल के लिए मिनिमम 21 इयर्स एंड मैक्सिमम 32 इयर्स है। ओबीसी के लिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 इयर्स है। एससी एंड एसटी के लिए मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 37 इयर्स है। और लिमिटेशंस, आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं, तो जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो 6 बार एग्जाम दे सकते हैं, और ओबीसी के कैंडिडेट 9 बार एग्जाम दे सकते हैं, और एससी एसटी वाले के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। अब यूपीएससी की भर्ती प्रक्रिया को देख लेते हैं। तो इसके लिए यूपीएससी 3 चरणों में की जाती है भर्ती प्रक्रिया, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर साक्षात्कार होता है। और इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स होती हैं, इसमें 200 अंक का पेपर होगा, जिसके उत्तीर्ण करने के बाद ही आप मेंस परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो इसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 जो होता है, तो सब्जेक्ट जनरल स्टडीज का होता है जीएस 200 मार्क्स का, और ड्यूरेशन 2 आवर्स का मिलता है आपको, और पेपर टाइप ऑब्जेक्टिव होता है। और पेपर सेकंड होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि 200 मार्क्स 2 आवर्स ड्यूरेशन, एंड ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होती हैं। अब यूपीएससी मेंस एग्जाम की बात करें तो इसमें पेपर 1 जो होता है क्वालिफाइंग, वो कैंडिडेट ने जो भी भाषा सेलेक्ट की है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं 300 मार्क्स के, और पेपर बी सब्जेक्ट इंग्लिश, इसमें भी 300 मार्क्स, पेपर 1 निबंध का, वो भी 250 मार्क्स का होता है, पेपर सेकंड सामान्य अध्ययन फर्स्ट, इसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व और समाज का इतिहास और भूगोल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और ये 250 मार्क्स के पूछे जाते हैं। पेपर 3 सामान्य अध्ययन सेकंड, इसमें सब्जेक्ट शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 250 मार्क्स के होते हैं। पेपर 4 सामान्य अध्ययन 3, इसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये 250 मार्क्स के होते हैं। पेपर 5 सामान्य अध्ययन 4,
इसमें नैतिकता, अखंडता और एप्टीट्यूड के रहते हैं, 250 मार्क्स होते हैं। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेपर 6 वैकल्पिक विषय का पेपर होता है जो कि 250 मार्क्स का होता है, और पेपर 7 वैकल्पिक विषय का पेपर 2 जो कि 250 मार्क्स का होता है। प्रीलिम्स और मेंस के बाद इंटरव्यू होता है जिसमें 250 मार्क्स का आपका इंटरव्यू लिया जाता है। साक्षात्कार के अंक और मेंस में आपके जो जितने भी मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, और आप इंटरव्यू किसी भी भाषा में दे सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी किसी में भी। तो यूपीएससी से बनते क्या है, तो यूपीएससी एग्जाम पास करने के बाद आप प्रशासनिक सेवा IAS, IPS, IRS, IFS आदि पदों पर भर्ती किए जाते हैं। और कुछ और इम्पोर्टेंट पोस्ट का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, जैसे IAS का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS का इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, IRS का इंडियन रिवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा। और UPSC का ऑफिशियल साइट ये है, इस पे जाके आप इस डिटेल में इससे सारी रिलेटेड और भी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। ओके, इस चैनल पे आपको नए नए लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो अगर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।